राजनीति गरमाती भी नजर आ रही है, और ऐसे में यदि बात करें तो कालानी परिवार एक बार फिर से कहीं ना कहीं विवादों में नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं आरोप जो कि लगते आ रहे हैं। इसके पहले आपने देखा था कि पूर्व महापौर भगवान भालेराव के साथ जो है कालानी महल में हाथापाई का जो है तस्वीर सामने आई थी RPI और राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं की, और अब जो है आपने कल ही सुना होगा सोशल मीडिया के माध्यम से कि टीम ओमी कालानी के ऊपर जो है आरोप लगे हैं, ओमी कालानी के ऊपर आरोप लगे हैं कि उन्होंने खंडनी मांगी है, जिसके बाद जो है उनके ऊपर मामला दर्ज किया गया था। उससे सभी खुलासे के लिए आज हमारे साथ ओमी कालानी जी मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से शहर में जो गतिविधियां चल रही है और कालानी परिवार को जिस तरीके से जो कि निशाने पर रखा गया है, ये सब जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कल जो मामला था जिसमें जो है ये बात सामने आई कि कुछ कृष्णा करके कुछ इमारत का निर्माण किया जा रहा है, तो वहाँ पर जो है TOK के किसी कार्यकर्ता द्वारा वहाँ पर गए हैं, ऐसे आरोप राजेश वधारिया ने लगाए हैं, और वहाँ पर जो है पैसे की मांग की गई है, उसमें आपका नाम आ रहा है और TOK का नाम आ रहा है, उसके लेटर पैड के माध्यम से जो है ये सब बातें सामने आई, मामला भी पुलिस ने इसमें दर्ज किया है। देखिए, ये एकदम बोगस मामला है। ये उल्लासनगर पुलिस स्टेशन की तरफ से ये दूसरा मामला दर्ज करने की कोशिश की गई, जो दर्ज किया भी गया। ये जो कृष्णा सोसाइटी है, कृष्णा कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसका बिल्डर राजेश वधरे है, तो ये बिल्डिंग का जो प्लान अप्रूवल है उसमें बेसमेंट दिखाया गया है, और ऐसा दिखाया है कि बेसमेंट में पार्किंग है, और जो कि अगर आप जगह पे देखेंगे तो कोई भी बेसमेंट नहीं बनाया है, और बिना पार्किंग के पूरा बिल्डिंग बेचा गया है। तो मेरा एज अ पॉलिटिकल लीडर मेरा एक फ़र्ज बनता है कि हम हमारे शहर के व्यापारियों को जागरूक करें। अगर ऐसा ही है तो अब तक वो जो लेटर मैंने भेजा है वो क्यों नहीं दिखाया जा रहा है मीडिया को, और आज तो मैं आपसे शेयर करूँगा वो लेटर, बट वो लेटर भी दिखाना चाहिए। वो लेटर में पहला लाइन ये बोलता है कि दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू, उसका ये मतलब है कि हम आपको सूचित कर रहे हैं। तो ये जो मामला है, उल्लासनगर पुलिस स्टेशन ने झूठा मामला दर्ज किया है। मैं ना ही इसमें एंटिसिपेटरी बेल लेने वाला हूँ, ना ही बेल लेने वाला हूँ, और पुलिस को भले अरेस्ट करना है मैं बिल्कुल तैयार हूँ, जो इन्वेस्टिगेशन करना है वो इन्वेस्टिगेशन साबित करेगी। इसमें उम्मीद जी, जिस प्रकार से कहा कि आपने पुलिस ने भी मामला जो है कहीं ना कहीं खोटा दर्ज किया है, यहाँ पे ये भी सवाल उठता है कि शहर में अवैध निर्माण कार्यों की बात करें तो उसमें भी प्रशासन की भूमिका नज़र आती है, तो इसमें भी वही मामला नज़र आ रहा है, तो प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर किस तरीके की जो है इस पर देख रेख की जाए? देखिए, मेरा पिछले 1.5 से 2 साल से मेरा कम्युनिकेशन चालू है कॉरपोरेशन में। पहले उससे पहले मेरी माता जी के उधर लेटर्स दिए हुए हैं, जब मेरी वाइफ मेयर थी तब के लेटर्स दिए हुए हैं, और अभी मेरे लेटर्स दिए हुए हैं। और अगर मुझे कुछ मांगना ही हो तो मैं 1.5 साल पहले मैं मांग चुका होता था, मुझे आज मांगने की क्या ज़रूरत थी? और मैं बिल्कुल बोलूँगा कि हाँ, वो लेटर मेरे थे, मैंने भेजे हैं, और मेरा कोई कार्यकर्ता नहीं, मेरे ऑफिस का स्टाफ जाके लेकर आया था और सिर्फ हैंड ओवर करके आया है, जस्ट के इन्फॉर्म करने के हिसाब से। इसके पहले जो कि मामला हुआ था कालानी महल में RPI के कार्यकर्ता और राष्ट्रवादी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई थी, कहीं ना कहीं नागरिक जो है गुमराह होते आए हैं। जब सत्ता में आप रहते हैं तो एक साथ रहते हैं, तब आरोप नहीं लगाए जाते, जब सत्ता से अलग हो जाते हैं, कार्यकाल समाप्त होता तो एक दूसरे के खिलाफ नजर आते, लेकिन विकास कहीं नहीं होता। तो वो क्या मामला था? उस समय भी जो है आपकी पूरी चुप्पी थी, किसी भी तरीके का कोई पक्ष सामने नहीं आया। देखिए, उसमें बात ऐसी थी कि जो कोई RPI और NCP की लड़ाई नहीं थी, ये व्यक्तित्व लड़ाई थी जो भगवान भालेराव और कमलेश निकम के आपस में कुछ व्हाट्सएप पे चैट पे हुआ था, जो कि जिसमें मैं ये बोलना चाहूँगा कि भगवान भालेराव मेरे अच्छे दोस्त हैं, उनको उपमहापौर में भी हमने मदद की है, और गलती जो है वो पूरी तरीके से कमलेश निकम की गलती थी, क्योंकि उन्होंने व्हाट्सएप चैट में उनको उनके परिवार के ऊपर गए थे, जो कि उनको नहीं जाना चाहिए। राजनीति का एक असूल होता है, हर चीज़ का, राजनीति का भी ये असूल है कि जो भी है हम लोग मर्द हैं, हम सीना ठोक के लड़ते हैं आमने सामने, बाकी परिवार पे हमको नहीं जाना चाहिए, उसमें कमलेश की मिस्टेक थी। लेकिन जो लोग घर के अंदर घुसे थे, बाकी के पॉलिटिकल लोग बोल रहे हैं कालानी महल में घुसे, तो उनको ये दिखा कि कालानी महल में घुसे ये नहीं, अपने आए अपने पैर पे पहुँचे किधर, वो उनको दिखाई नहीं दिया कि वो जाके पहुँचे सीधा हॉस्पिटल में। तो हमारे घर पे कोई घुसेगा हम छोड़ने वालों में से नहीं है, और ये अब भी हुआ है, इसके बाद भी कोई कोई ये कोशिश करेगा हम पीछे हटेंगे नहीं इस मामले में।
आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि पुलिस जो है खोटा मामला दर्ज करिए, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी रह चुके हैं, पूर्व नगर सेवक रह चुके हैं, तो क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से जो कि महाराष्ट्र में राजनीति चल रही है, राजनीति फेरबदल की, तो यह क्या उसका हिस्सा है? क्योंकि चर्चे इस तरीके से भी की जा रहे हैं कि सिंधेगढ़ की तरफ रुख होना है, सिंधेगढ़ की तरफ जाना है और वहाँ से अप्रोच ना आना, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इससे ताल्लुक़ रखती है। देखिए, जहाँ तक सिंधेगढ़ का सवाल है तो शिंदे साहब से और श्रीकांत साहब से मेरे बहुत अच्छे रिलेशन है। हम पॉलिटिकल तो ठीक है, बात की बातें हैं, लेकिन हमारी दोस्ती है और हम अच्छे बुरे टाइम में एक दूसरे के हम साथ में रहे हैं। बाकी जहाँ तक बीजेपी का सवाल है तो वो तो हम हमेशा से बीजेपी के खिलाफ रहे हैं और अभी वापस बोलते हैं कि जो हमने एक मुहिम लिया है कि बीजेपी मुक्त उल्लासनगर करेंगे, वो हम ज़रूर करके रहेंगे। इस तरह के खोटे मामले एक नहीं और 25 दाखिल करो, हम भी काला नहीं है, हम सब फेस करने को तैयार है। एक आखिरी और अहम मामला, जिस तरीके से शहर के किसी विकास की जब बात आती है तो उसमें जो है कालानी परिवार भी जो है इसका स्वागत करता है और कहीं ना कहीं ये बात की जाती है विपक्ष द्वारा, अन्य पार्टियों द्वारा, कि इसका श्रेय लेने की जो है काम की बात की जाती है। हाल ही में जीआर का भी जिस तरीके से जो मुद्दा आया, उसके बाद कैपिटल टैक्स वैल्यू का मुद्दा आया, तो उसमें भी जो है कालानी परिवार ने कहा कि हमने कहीं ना कहीं बातचीत की मंत्रालय में या फिर वरिष्ठ मंत्रियों से, तब जाके राहत मिली। तो उसको कहा जाता है कि एक तरफा कि श्रेय लेने का कार्य किया जा रहा, तो इसमें क्या कहेंगे? देखिए, हमारा, मैं बार बार बोलता हूँ, हमारे शहर का ये दुर्भाग्य है कि हमारे शहर के पास एक टेस्ट ट्यूब आमदार है जो सिर्फ बातें करने में होशियार है, फोटो खिंचवाने में जाके साइड में खड़े हो जाते हैं कि भाई फोटो खींचे मेरा। उनको, उन्होंने भी तो क्लेम किया था, आज वो आमदार है। आज हम तो ठीक है, ना ही सत्ता में है ना ही हमारा कोई पोजिशन है, उनको पोजिशन होते हुए भी आज वो एक बार बताए कि उन्होंने कभी विधानसभा में कभी आवाज़ उठाया हो हमारे शहर के लिए। ये तो जिस वक्त मेरी धर्मपत्नी महापौर थी उस टाइम पे हम लोगों ने ये सब कम्युनिकेशन किया हुआ था। उस टाइम पे एकनाथ शिंदे साहब हमारे पालक मंत्री भी थे और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी थे, तो उस टाइम का हम लोगों का जो भी कम्युनिकेशन किया हुआ था, हम वो बेस पे बात कर रहे थे। और जो इसका कैपिटल टैक्स का जो मुद्दा है, उसका भी हम कोई भी बेबुनियाद बातें नहीं करते हैं। हम लोगों का लेटर दिया हुआ है और हमने ओपन उसके खिलाफत किया था। और वो ही नहीं, हमने यूटीए के माध्यम से भी काफ़ी सारे फॉर्म जारी किए थे, जिसमें काफ़ी फॉर्म हमने जमा भी किए। ऐसा ही मुझे कुमार आइला ने बताया कि भाई उन्होंने एक फॉर्म जमा कराया हो या एक ऑब्जेक्शन लिया हो। वो हमारा एक टेस्ट ट्यूब आमदार है जो बाकी दूसरे लोगों के किए हुए काम को खुद गिनाते हैं। धोखादायक इमारतों की यदि बात करें तो उसका कोई हल नहीं निकल पा रहा। सत्ता बदली, नेता बदल गए, लेकिन जिस तरीके से जब बिल्डिंग गिरती है उस समय जो है मजमा देखने को मिलता है, उस समय जो है बवाल होता है, लेकिन उसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता। यहाँ तक कि हम स्पष्ट भी कहें, कोई भी पार्टी ले लो, भारतीय जनता पार्टी ले लो, राष्ट्रवादी ले लो या फिर कोई भी ले लो, कोई भी उस विषय को जो है गंभीरता से नहीं लेता, तो उसके लिए क्या प्रयास रहेंगे? क्योंकि कोशिशें कहीं ना कहीं नाकाम नज़र आती है। देखिए, जिस वक्त ये तो बट नेचुरल है कि जिस वक्त मामला गर्म होता है उस टाइम पे सब कमिटमेंट्स और सब किए जाते हैं, बाकी वादे। इतना है कि हमारे मुख्यमंत्री साहब ने जो बोला है, जहाँ तक मुझे मैं उनको पहचानता हूँ, तो उन्होंने बोला है तो वो ज़रूर पूरा करेंगे। और टेक्निकल कोई इश्यूज आ रहे होंगे वो बात अलग है, लेकिन ये सब जवाबदारी किसकी है? मैं वही बोल रहा हूँ आपको बार बार कि ये जो हमारा टेस्ट ट्यूब आमदार है, उसकी जवाबदारी है कि कम से कम हमारे शहर के प्रति, विधानसभा में तो आवाज़ नहीं उठा सकते हो, कम से कम मुख्यमंत्री ऑफिस के दरवाजे के बाहर तो जाके बैठ सकते हो, उतना तो कम से कम तुम कर पाओगे, उतना करो तुम, हमारा जल्दी आ जाएगा जी आर। आपसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे उमी कालानी, जिन्होंने शहर के मुद्दों पे और हाल ही के जो कि विवाद थे उस पे अपना खुलासा जो है रखा है और ये साफ तौर से कहा है कि इस मामले में जो कि खंडनी का मामला इनके ऊपर लगाया गया है, अगर वो सच साबित होता है तो अपनी गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है।